राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीसीटीवी कैमरों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक राजधानी में 2,75,000 सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं और इस मामले में दिल्ली ने लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर और पेरिस को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे से पुलिस को क्राइम सॉल्व करने में भी मदद मिलती है, जबकि आने वाले दिनों में 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे और लगाए जाएंगे। इसके बाद दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों की संख्या 4,18,000 हो जाएगी। 2,75,000 लग चुके हैं, 1,40,000 और लगाने जा रहे हैं। फेज टू कैमरे लगाने का शुरू हो रहा है। इसके बाद दिल्ली में टोटल 4,15,000 कैमरे हो जाएंगे। तो जैसा मैंने बताया, ऑलरेडी हम नंबर वन हैं, इसके बाद तो हम बहुत ज्यादा पूरे दिल्ली में कैमरे हो जाएंगे। आप लोग जानते हो कि किस तरह से दिल्ली में कैमरे लगाने में कितनी अड़चनें आई थी। एक बार तो मेरे को, मनीष जी को, गोपाल राय जी को धरना भी करना पड़ा था एलजी हाउस में, और केंद्र सरकार ने खूब अड़चनें लगाई, चारों तरफ से बहुत अड़चनें आई थी, लेकिन हम भी डटे रहे, हम भी लगे रहे। और कहते हैं ना कि अगर आप सही नीयत से काम करो तो ऊपर वाला भी साथ देता है। फाइनली दिल्ली में कैमरे लगने लगे और अब हम पूरी दुनिया में नंबर वन होते जा रहे हैं। 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलरामपुर जाएंगे। वहीं इस दौरे को लेकर जिले के दौरे पर आए जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को बलरामपुर जिले में बहराइच रोड पर हंसू वाडोल गांव के पास पहुंचेंगे और वहीं से सरयू परियोजना देश को समर्पित कर बटन दबा का श्रावस्ती में नदी का गेट खोलेंगे। वहीं इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर तकरीबन 2,00,000 लोगों के आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। कि जो वर्षों से लंबित परियोजना हमारी सरयू परियोजना 71 और 72 में जिसकी कल्पना की गई थी, इतने वर्षों में जो पूरी नहीं हो पाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के कारण से एक बड़ी परियोजना को हम लोगों ने पूर्ण किया है, जिसके माध्यम से कुल 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करेंगे। और उस परियोजना के लोकार्पण के उद्देश्य से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहां पर कार्यक्रम 11 तारीख को निश्चित किया गया है। उसी की तैयारी बैठक में यहां पर आया था। बलरामपुर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। गोड़ा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर 9 जिलों को ये परियोजना जाती है। 9 जिले के किसान इससे लाभान्वित होंगे। और ये हमारा कार्यक्रम जो है बलरामपुर और श्रावस्ती के बीच में आयोजित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के होने के बाद जो 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने वाली परियोजना, कुल 9,802 करोड़ की परियोजना, जिसके माध्यम से लगभग 25 लाख किसान लाभान्वित होने वाले हैं इन 9 जिलों के, और उन किसानों के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। खबर गाजीपुर से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह गाजीपुर के सैदपुर विधानसभा के वाहिदपुर पहुंचे। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं इसके बाद स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी संगठन की बैठक की, जिसमें कई बीजेपी नेताओं कार्यकर्ता शामिल रहे। वहीं इसके बाद ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सपा सरकार में गुंडों का राज था और लोग गुंडई करते थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने गुंडों पर लगाम लगाई है। चुनाव प्रबंधन जो बना है विधानसभा का, उनके संगे राज्य के अंदर बैठक चल रही है। आज यहाँ अपने काशी मंडल की बैठक थी और चुनाव प्रबंधन ने 2022 के लिए चुनाव जीतने की रणनीति, उस पर हम सब चर्चा किए हैं और कार्यकर्ता के दम पर और जनता के आशीर्वाद 2022 की हम सफलता प्राप्त करेंगे। जो हमारे सब नेताओं ने 300+ का नारा दिया है प्रदेश अध्यक्ष के नाते और बूथ और मंडल सेक्टर के सभी कार्यकर्ता मिलकर हम सब उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और लक्ष्य प्राप्त करने के बाद जिस प्रकार अभी गरीबों की सेवा हम लोग कर रहे हैं, उसी तरह गरीबों की सेवा करने के लिए सरकार बनाएंगे। बाकी दल गुंडों को महत्व देते हैं, माफियाओं को महत्व देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आगे अगर योगी जी के नेतृत्व में गरीबों को महत्व दिया जाता है, गरीबों के कल्याण के लिए काम होता है, उनके विकास के लिए काम होता है। सर, ये लगभग आसपास जो अपने सभी जैसे जौनपुर, चंदौली,
काशी, गाजीपुर, ये सभी जिलों की यहाँ बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में लगभग जितने विधानसभा आते हैं, ये सभी विधानसभाओं की चुनाव संचालन समिति की बैठक थी और ये तय हुआ है मतदाता सदस्यता अभियान, मतदाता पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम अभियान, मोर्चों का अभियान, ये सभी का कार्यक्रम के लिए ये आगे हम सर ओम प्रकाश वोट देंगे या गुंडागर्दी करने के लिए वोट देंगे, गुंडों को बढ़ाने के लिए वोट देंगे। आप सपा का शासन में गुंडागर्दी होता है, आज गुंडागर्दी समाप्त है, गरीबों का विकास हो रहा है, गरीबों का कल्याण हो रहा है। सपा शासन में कभी भी गरीबों का कल्याण नहीं हो सकता, इसलिए वंशवाद की पार्टियां, परिवारवाद की पार्टियां हैं। यहां पर आदरणीय मोदी जैसा तपस्वी नेता है, राज्य के अंदर योगी जैसा नेता है जो गरीबों का कल्याण, मुसर थारू लोगों का भी सम्मान नहीं मिलता था, आज सभी को प्रधानमंत्री आवास मिला, बीजेपी के बंद है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीएचडी छात्र दानिश रहीम से डिग्री वापस लिए जाने के नोटिस पर उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने कहा है कि ऐसा नियम नहीं है, जो डिग्री पास कर चुका है उसको वापस लेने का किसी भी यूनिवर्सिटी को कोई अधिकार नहीं है, उस डिग्री को कैसे वापस लेंगे इसका तरीका कोई बताए। देखिए ऐसा नियम नहीं है, जो डिग्री पास कर चुका है उसको डिग्री वापस लेने का किसी को किसी भी यूनिवर्सिटी को अधिकार नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पास कर चुका है। उस डिग्री को पास करने वाले डिग्री को कैसे वापस लेंगे, कोई तरीका कोई मुझे बताए, मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पूछना चाहता हूँ। और मोदी की तारीफ, आदरणीय मोदी जी की जो तारीफ करेगा, क्या उसकी डिग्री वापस ले लोगे आप? ये नहीं चलेगा, ये हिंदुस्तान है, मोदी की सरकार है, योगी की सरकार है, यूनिवर्सिटी कोई पाकिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी है। इसलिए गलत काम न करें, गलत करेंगे तो उनके लिए भी कानून बनाए, जो ऐसा करेंगे वो भी जेल के शिक्षों में होंगे। वहीं बुलंदशहर में पीएम मोदी और योगी के लिए अभद्र भाषा का उपयोग करने के लिए पूर्व विधायक गुड्डू पंडित के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक पर आईपीसी की धारा 504, 502, 506 में मुकदमा दर्ज किया गया है। खबरों की माने तो बीते 30 नवंबर को थाना अहमदगढ़ क्षेत्र में शादी समारोह में बीजेपी नेता और गुड्डू पंडित के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बात खत्म कर रहा है, मोदी को गाली बकरा हर दिन शादी का माहौल है में थाने में बगू आ जा बेटा पानी ला ये बाहर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उनकी बेटी की शादी का समारोह था, उसमें मैं जब पहुंचता हूँ लगभग 4:30-5 बजे के बीच की से रहा होगा। तब ये मान्यवर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ पे पहुँचते हैं, कौन थे जिसरी जय भगवान गुड्डू पंडित उनका नाम है, पूर्व विधायक है और उनका जनरली ये है हर जगह जहाँ भी जाते हैं वो इसी तरह से हमारे नेताओं को उनको सबको दुर्व्यवहार के साथ वो बातें करते हैं। इसी के सापेक्ष उन्होंने वहाँ जाने के बाद में हमारे कुछ कार्यकर्ता उससे उसका हालचाल पूछा है और हालचाल पूछने के बाद में तुरंत उन्होंने जो शब्द बोले वो वही शब्द आपके सामने बोलूंगा, तो योगी मोदी को आप लोगों ने बाप बना रखा है। मैंने उसको बीच में टोका, मैंने भाई आप शादी समारोह में हैं, आपको इस तरह का व्यवहार यहाँ पे नहीं करना चाहिए, आप समाज में इस तरह का व्यवहार यहाँ पे नहीं करना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने, मैं वो शब्द कैमरे के सामने बोल भी नहीं सकता जो शब्द उन्होंने हमारे नेताओं को, जिन लोगों की प्रेरणा से हम काम करते हैं, हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, उनके लिए जो शब्दों का उपयोग किया है वो किसी भी सभ्य समाज में उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।